सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुजफ्फरपुर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। विश्वविद्यालय परिसर सहित बलराज थाना क्षेत्र से बाइक सवार अपराधियों ने रिटायर्ड प्रोफेसर और महिला से 53,000 रुपए झपट कर फरार। बाबरी विध्वंस की 26वीं बरसी पर गुरुवार को हिंदूवादी संगठन ने नगर में जुलूस निकालकर मनाया शौर्य दिवस। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न संगठनों ने बाबा साहेब को किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। आंदोलन के आदेश पर बालिका गृह भवन को अब 10 दिसंबर के बाद ध्वस्त करेगा नगर निगम। भवन के मालिक को भवन तोड़ने का डेडलाइन 10 को होगा समाप्त। जिले में 8, 9 और 10 दिसंबर को आयोजित होने वाली बिहार एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा की प्रशासनिक तैयारी पूरी। और खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय परिसर स्थित पानी टंकी के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 30,000 रुपए झपट कर फरार हो गए। विश्वविद्यालय परिसर में पानी टंकी के समीप गुरुवार को बाइक सवार अपराधियों ने विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर रामानंद सिंह से 30,000 रुपए झपट लिया और फरार हो गए। श्री सिंह एलएस कॉलेज परिसर स्थित एसबीआई से 30,000 रुपए निकालकर हिंदी विभाग की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने उन पर झपट्टा मारा और रुपए छीनकर चलते बने। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बैंक जाकर तथा घटनास्थल की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी की। के रिटायर प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, हेड राम लालू सिंह कॉलेज। अच्छा, जवाहरलाल रोड में मेरा मकान है। अच्छा, तीन माला मकान है, रामा हार्डवेयर के पास। अच्छा, आज क्या हुआ है? आज अभी आए पेंशन के हम जीवित हैं, ये फॉर्म भरने के लिए। अच्छा, ऐसे हम पैसा वहीं से निकाल लेते थे, पर सब यहाँ था, यहाँ आए 30,000 रुपया निकाले। अच्छा, जो कबूल करते हैं हम अभी तुरंत निकाल के प्रोफेसर साहब गए। अच्छा, हैं उसमें जो है 5,000 वाला था 10,000 और बाकी सब जो है 200 वाला था नया नोट। अच्छा, लेकर के यहाँ से ऐसे करके पानी टंकी को बढ़े फील्ड होकर के। अच्छा, फील्ड होकर बढ़े कि इसी में निकल जाएंगे। पानी टंकी से अभी 5 कदम इधर ही थे कि पीछे से इधर से आया, इधर से खींचा। अच्छा, खींचा अपना, हम चिल्लाए देखो जो चिंदा है अपना भरतम खींचे पर फट गया, खींच के ले गया। वहीं बरुआज थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपया निकालकर बैंक से बाहर निकलने के क्रम में रामपुरवा ग्राम निवासी फूलपति देवी से 23,000 रुपए छीनकर अपराधी फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड महावीर स्थान के पास की रहने वाली महिला कौशल्या देवी बीते 1 दिसंबर से लापता है। पुलिस महिला की खोज के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गोला बांध रोड महावीर स्थान की रहने वाली महिला कौशल्या देवी बीते 1 दिसंबर से रहस्यमय तरीके से गायब है। गायब महिला के परिजनों ने इस मामले में नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस द्वारा गायब महिला की बरामदगी के लिए कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण परिजनों में रोष व्याप्त है। कौशल्या देवी जिसका उम्र 85 वर्ष है, वह विधवा पेंशन के लिए गई थी नगर निगम सुधरवाने के लिए 1/12/2018 को 11 बजे करीबन, और वह उधर से आने समय किसी वक्त गुम हो गई और स्थानीय नगर थाना में इसका FIR दर्ज कराया गया है, मगर आज 6 दिन हो गया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और किसी तरह का उनके परिवार को अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया है कि आपकी माता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया है। यहाँ के जिला प्रशासन लापरवाही कर रहे हैं, थाना तो लापरवाही कर ही रहे हैं, जिला प्रशासन भी लापरवाही कर रहे हैं, तो इन लोग हमारे स्थानीय लोगों का मांग है कि अगर जिला प्रशासन इस तरह का लापरवाही कर रही है, आज इसकी माता खो गई है, कल किसी और की माता खो जाएगी, इसके विरोध में सख्त है हम लोग और इसका कड़ी निंदा करते हैं। अगर एक दो से रोज में नहीं मिलती है तो आक्रोश मार्च निकाल करके स्थानीय लोगों के द्वारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अन्यथा हमारी ये स्थानीय लोगों से आग्रह है कि इन लोगों का गुहार है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह के माध्यम से, ये कौशल्या देवी को जल्द से जल्द ढूंढ करके उनके परिवार को सौंपा जाए। गोबरसही स्थित एक विवादित जमीन को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित एक विवादित जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच बनी टकराव में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला सुचिता देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि गोबरसही स्थित ठाकुर इंजीनियरिंग वाली जमीन को लेकर चल रहे विवाद में उनके साथ मारपीट की गई है। शाम 6:30 के क्या हुआ?
कि थाना में दो बार जो मारने के लिए आया ना तो ये अपना इन्फॉर्मेशन दिए थे, थाना का गाड़ी गया पूछने के लिए, अब पूछने में सब नुका गया अपना जेंट्स लोग, आ जब थाना के गाड़ी खुल गया लेडीज लोग निकली आ जेंट्स सब नुका गया, उसी बीच गाड़ी खुला शंकर लोग उतर गया सब मारने के लिए मेरे पर आ गया। कौन लोग थे वो? देवर तीन गो लड़का उनका देहादीन ससुर। कितने आदमी घायल हुए हैं आपके? घायल है सिंगल ज्यादा, हाँ इनका चोट है थोड़ा मोड़ा माथा में, दोनों आदमी के माथे पर अटैक किया। अच्छा, ये विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है वही दुकान किए हुए हैं, वो जमीन खाली करने के लिए कहते हैं। कहाँ पे दुकान हो गई ये? गोबर सही में। क्या चीज का दुकान है? लेथ वर्क है, ग्रिल का है। तो वही दुकान खाली करने को लेके? हाँ, तो सास का नाम से है। अच्छा, तो वो चाहती हैं जो हम बेच के एक लड़का को दे दें एक लड़का को नहीं दें, उसी के लिए वहकल इसी के लिए। क्या चीज से वार किया आपके सर पे? फरसा था। तीन दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में पेशी के बाद मधु और अश्विनी को अदालत ने जेल भेज दिया। बालिका गृह कांड मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा तीन दिनों के रिमांड पर लिए गए मधु और अश्विनी की रिमांड अवधि गुरुवार को पूरा हो जाने के पश्चात दोनों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को कदस्थल अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। इसके बाद मधु और अश्विनी को कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पूर्व बालिका गृह कांड मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की राजदार मधु ने मीडिया से बात करते हुए खुद को निर्दोष बताया। एक बार फिर से हमारी किस्मत है वो आप लोगों के हाथ में, चलिए चलिए दुबाते हैं या निकालते हैं वो आप लोगों की जिम्मेदारी। कुछ बताया कि नहीं? नहीं सर, हमने कुछ नहीं बताया। क्या लग रहा है? 15 दिन हो चुका है, अब क्या लग रहा है? हमने कुछ नहीं बताया। उधर बालिका गृह कांड के अभियुक्त पक्ष के वकील ने बताया कि रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद मधु और अश्विनी को अदालत में पेश कराई गई, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। उनको प्रस्तुत किया गया पुलिस कस्टडी से और कोर्ट से बातचीत की, कुछ नहीं की। 18-12 को फिर डेट रखी गई उपस्थापन के लिए। और अश्विनी को भी लाया गया था? अश्विनी को भी लाया गया था। उन लोगों का कस्टडी खत्म हो गया, पुलिस कस्टडी का समय जो 15 दिन का होता है वो खत्म हो गया। चार्जशीट को लेके कोई चर्चा है? अभी इसके बारे में जानकारी हमको नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 26वीं बरसी पर गुरुवार को हिंदुस्तानी संगठन ने नगर के विजय जुलूस निकालकर आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 26वीं बरसी पर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज पार्टी सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने छाता चौक से विजय जुलूस निकाला। यह जुलूस नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरा। जुलूस में शामिल हरवे हथियार के साथ सैकड़ों युवकों द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के नारे से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। जुलूस का नेतृत्व कर रहे हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाए, इसके लिए संगठन के सदस्य आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज जगह जगह से हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो टोली बना के निकल रहे हैं, शौर्य दिवस मनाएंगे और सारे बच्चे आज की मंदिर बने इसके लिए हम लोग लगे हैं। और आज सरकार जो है जिस तरह से नीति कर रही है, आज हिंदुओं पर वार कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी को अरेस्ट कर दिया गया है और हमारे कार्यकर्ता और भी है, अरविंद रावत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उनको भी अरेस्ट किया गया है और अयोध्या में जो है इमरजेंसी लगाया गया है ताकि हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज अयोध्या नहीं पहुंच सके। हमें भी लौटाया गया है। मैं भी हिंदूवादी संगठन के लोगों का कहना है कि अब तक राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू नहीं कराया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के ऊपर जो बीच के कालखंडों में इस भारतीय देश के ऊपर जो हिंदू बहुसंख्यक देश है, जो हमारा हिंदू राष्ट्र था, उसको बीच के कालखंडों ने रावण जैसे अधर्मी के नाम पर हमारे रामलला के जमीन पर उसका एक
1992 को हम बजरंगियों ने और इस देश के सभी हिंदू जो हर हिंदू युवा पूरे देश से उमड़ी थी 1992 में और 6 दिसंबर को इस देश के ऊपर जो हिंदुओं के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगी हुई थी उसको हम लोग स्वर दिवस के रूप में इसका आयोजन करते हैं। राम भक्तों ने बाबरी विध्वंस की बरसी पर नगर के विजय जुलूस निकाला और आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। बाबरी विध्वंस की 26वीं वर्षी पर राम भक्तों ने गुरुवार को दीवान रोड से नगर में विजय जुलूस निकाला और बाबरी विध्वंस के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। जुलूस में शामिल लोगों ने भ्रमण के दौरान पारंपरिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। राजद सहित विभिन्न संगठनों ने बाबा साहेब को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजद अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को इमली चट्टी स्थित राजद जिला कार्यालय में समारोह आयोजित कर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भीमराव अम्बेडकर जो देश में सबसे कमजोर तबका के लिए जो संविधान उन्होंने दिया था, आज उन्हीं का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में इसको धूमधाम से बाबा साहब का पुण्यतिथि मना रहा है और ये शपथ ले रहा है कि बाबा तेरी अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और संविधान से छेड़ने वाले भाजपा को सात समुद्र उस पार भेज देंगे। सर्वे अधिकारी की गलती के कारण एक दंपति का घर उजड़ गया। अब यह दंपति अपने हाथ से गई संपत्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। इस वाक्या को भाग्य का लिखा कहा जाए या मानव जनित समस्या, जो कभी नगर के ब्रह्मपुरा मोहल्ले में लाखों रुपए के घर और जमीन का मालिक था, वर्तमान में उसकी सारी संपत्ति पर भू माफियाओं ने कब्जा जमा लिया और इस संपत्ति का असली मालिक न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। इन्हें एक शाम भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा। ब्रह्मपुरा मोहल्ला निवासी अलबेला सिंह की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सर्वे अधिकारी की गलती से इनका घर और जमीन खतियान में किसी और के नाम चढ़ गया। वो खतियान में हुई गलती में सुधार कराने के लिए भटकते रहे, वही उनकी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि लगाए भूमाफियाओं ने इनके घर और जमीन पर कब्जा कर उस पर दुकान और मार्केट बना दिया। अब यह वृद्ध दंपत्ति न्याय के लिए अधिकारियों को आवेदन देकर अपने मन को संतोष दे रहे हैं। हमारा मकान ब्रह्मपुरा में घर है और पत्नी परमेश्वरी देवी के नाम से किवाड़ा है और ये शंकर गुप्ता उसका बेटा है पिंटू, दोनों मिलके बेटा को जान मार दिया अवैध औरत और ये बोला कि हम 50 रुपया रोज खाना देंगे और मकान बहुत छोटा है, हम मार्केट बनाएंगे। जबरदस्ती मकान को तोड़कर कब्जा कर लिया, बिजली पंखा मकान का सारा सेफ्टी पे खाना बिजली सब उखाड़ दिया और घर को सब सामान लूट लिया। बढ़िया बढ़िया नाम का आदमी है, उसको बोला 50,000 रुपया देंगे और हमारा कागज जाली कागज है तो हम नहीं जाएंगे, 50,000 रुपये लेकर उसको मालिक बना दिया। पैसा के लालच में बलिया ने मकान को तोड़ करके नेव नेव उखाड़ दिया और बूढ़ा बूढ़ी को घर से निकाल दिया जबरदस्ती मार पीट करके। आज हम जुलन छपरा रोड नंबर 2 में रहते हैं, फुटपाथ पर अभी हम गिर गए हैं, घाव से बहुत तकलीफ, खाना केजरीवाल भोजन बूढ़ा बूढ़ी को देता है। बेटा को मरने के बाद समझा कि इससे क्या होगा, घर को बेघर कर दिया बाबू। 14 दिसंबर से सरकार पूरे देश में
पॉलिथीन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर आपने अब तक पॉलिथीन का उपयोग करना बंद नहीं किया है तो कम से कम आज से पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प जरूर लें। सरकार इस महीने पूरे बिहार में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। नगर आयुक्त संजय दुबे ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि 14 दिसंबर से पॉलिथीन और प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्लास्टिक कैरी बैग को 14 दिसंबर से पूरे राज्य में बैन कर दिया गया, पूर्णतः बैन कर दिया गया है। इसमें माइक्रोन का कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि 50 माइक्रोन के ऊपर या नीचे, इसमें माइक्रोन का कोई प्रश्न नहीं है। सभी माइक्रोन के कम्प्लीटली प्लास्टिक कैरी बैग बैंड रहेंगे। इस संबंध में हम लोगों ने पूरे शहर में फ्लेक्स बैनर्स लगवाए हैं और जो स्थानीय चैनल से उस पर हम लोग लगातार स्क्रॉल भी पिछले एक महीने से करवा रहे हैं। हम लोग माइकिंग भी अपने ऑटो टिपर्स के थ्रू करवा रहे हैं और लोगों के लिए जागरूकता का कैंप भी कई जगहों पर आयोजित करके लोगों को जागरूक किए हैं और अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को संदेश पहुंचाया है कि प्लास्टिक का कैरी बैग 100% बैंड है। पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में प्लास्टिक कैरी बैग, पहली अपराध के लिए 100 रुपया फाइन होगा, सेकेंड टाइम पकड़े जाने पर 200 रुपया और थर्ड टाइम पकड़े जाने पर 500 रुपया, उसके बाद प्रत्येक अपराध के लिए 500 रुपया फाइन किया जाएगा। स्पेशल टीम इसके लिए गठित की गई है। इसके लिए जिला स्तर से जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जिसमें हमारे यहाँ से सिटी मैनेजर और एक सैनिटरी इंस्पेक्टर उसके सदस्य हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के शहरी निकाय के अंतर्गत जो कार्यरत सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके एक सदस्य भी उसमें रहेंगे। जिस तरह पॉलीथीन प्रकृति के लिए विनाशकारी है वैसे ही थर्मोकोल भी है, क्या उस पर भी आगे बैन किया जाएगा? थर्मोकोल भी हजार्डस है, वो भी प्लास्टिक अभी पहले चरण में किया गया है, थर्मोकोल पर भी बैन डेफिनेटली होना चाहिए। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवार्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान
और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।
तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। रुक क्यों गया केशव? ओफ, ये पॉली बैग। तनिक ठहरो पार्थ, जानते नहीं ये पॉली बैग अमर है? पृथ्वी इसे नष्ट नहीं कर सकती, मिट्टी इसे गला नहीं सकती, ये तो युगों युगों तक इसी रूप में पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। इसका कोई उपाय केशव? उपाय है पार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वो पॉली बैग त्याग कर कपड़े, जूट या कागज के थैले अपनाए, तभी पृथ्वी पर मानव एवं पर्यावरण दोनों का कल्याण होगा। आप धन्य है भगवान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश की गिरते विधि व्यवस्था और अपराध के खिलाफ हक हिंदुस्तानी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए अगरबत्ती जलाया और घंटी बजाई। राज्य की गिरती विधि व्यवस्था और लगातार हो रहे अपराध के विरोध में हक हिंदुस्तानी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की वर्तमान स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाया और सरकार को जगाने के लिए घंटी बजाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए प्रार्थना भी की। देखिए, हम लोगों ने आज बिहार में बढ़ते अपराध, लूटमार, रोज हो रही हत्याएं से त्रस्त आकर बिहार सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ हमने प्रतिरोध मार्च यहाँ पे रखा है, एक छोटी सी सभा रखी है। हमने भगवान से भी प्रार्थना की और नीतीश जी से भी प्रार्थना की है घंटी बजा के, उनको अगरबत्ती दिखाकर के आपको सद्बुद्धि दे भगवान, और आप जो सोए हुए हैं बिहार में, जो गुंडों का राज चल रहा है, उस राज के जो आप रखवाले बन के बैठे हैं, जागिए हुजूर, जागिए। रोज आप ही की जनता की यहाँ हत्या हो रही है, लूटा जा रहा है, पुलिस प्रशासन आपकी कान में तेल डालकर बिल्कुल सोई पड़ी है, इसी को लेकर हमने ये आज कार्यक्रम किया है। बालिका गृह भवन को अब नगर निगम प्रशासन 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन ध्वस्त कर देगा। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाए गए ब्रजेश ठाकुर के साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को अदालत के आदेश पर 10 दिसंबर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। बालिका गृह भवन को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन को सौंपी गई है। इस संबंध में नगर आयुक्त संजय दुबे ने बताया कि भवन के मालिक को भवन तोड़ने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, यह अवधि 10 दिसंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि अब इस भवन को नगर निगम तुड़वाएगा और इस पर आने वाला खर्च भवन के मालिक से वसूल किया जाएगा। बालिका गृह के संबंध में हमने 1 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया था कि एक रिसीवर अपॉइंट किया जाए, जो कि उस बालिका गृह के अंदर जो भी सामान है उसका मजिस्ट्रेट काउंटिंग करके, उसको सामान का सारा काउंटिंग हो जाना चाहिए और उसको वैकेट कराना होगा मकान को, उसके बाद ही उसको मतलब हम लोग तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि सामान अभी है, मकान पूरा खाली नहीं है, तो हमको तो खाली मकान को ध्वस्त करना है, तो मकान के अंदर के सभी सामग्रियों का किसी मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर गिनती करवाई जाएगी, उसके बाद ही जब उसके खाली मकान का वीडियोग्राफी अंदर से हो जाएगा तब उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या वायलेशन किया था निगम का, जो था कैसे वायलेशन हुआ है मकान में? देखिए, जो पारित नक्शा मुझे दिखाया गया मनोरमा देवी जो माता जी हैं श्री ब्रजेश ठाकुर के, उनके द्वारा भेजा गया था अपने लॉयर के थ्रू, उसमें G+1 नक्शा पारित था, जबकि एक्चुअल में वहाँ निर्मित मकान है G+3। तो जो सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है बिल्कुल 100% वायलेशन है, पारित नक्शा के अनुरूप नहीं है, और जो सेटबैक था उसमें भी फ्रंट सेटबैक और लेफ्ट सेटबैक दिखाया हुआ था, क्योंकि एक्चुअल में आज के डेट में उस मकान में किधर भी सेटबैक नहीं छोड़ा हुआ है,
इवन फ्रंट साइड में एल शेप में मकान को निर्माण किया गया, जिस कारण फ्रंट सेटबैक भी जीरो हो जाता है, लेफ्ट सेटबैक राइट सेटबैक तो जीरो है ही, रियर सेटबैक भी जीरो है। तो जी प्लस थ्री मकान विदाउट सेटबैक हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो संपूर्ण मकान बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके निर्मित है और डेमोलिशन के योग्य है। मेरे पीछे जो अभी ये आलीशान भवन आप देख रहे हैं, मात्र 5 दिनों में इसे नगर निगम द्वारा जमीन दोज कर दिया जाएगा। जितनी भी गाड़ियां निबंधित थी उन्हें सीज करने का आदेश भी दे दिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग, कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग बायलॉज का खुला उल्लंघन है। 2 मंजिला इमारत की परमिशन इसे मिली थी और ये 4 मंजिला इमारत बना दी गई थी, जिसे लेकर नगर निगम ने पालिका गृह पर नोटिस भी चस्पा कर दी है। अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिले में 8, 9 और 10 दिसंबर को 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली बिहार एसएससी परीक्षा की सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में 8, 9 और 10 दिसंबर को 23 परीक्षा केंद्रों पर इंटर स्तरीय बीएसएससी की होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर 46 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने पत्रकारों को बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले बहुत सारे नियम शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मुजफ्फरपुर में 23 केंद्रों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8, 9, 10 को 6 चरणों में आयोजित होनी है, जिसमें कुल 12,742 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सेंटर पर 9:30 से परीक्षा यदि प्रारंभ है तो 9:30 तक पहुंच जाना अनिवार्य है। 9:30 के बाद सेंटर पर किसी की एंट्री अलाउड नहीं है और 9:40 में उनके सीट से जो उत्तर पुस्तिका है और ओएमआर सीट है और प्रश्न पत्र है वो उठा लिए जाएंगे, इसलिए समय को 9:40 तक अपनी सीट पर बैठ जाने की व्यवस्था है। परीक्षा अवधि में किसी प्रकार कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और जूता चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाएंगे, कोई आभूषण इत्यादि लेकर अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि उसका धार्मिक कारण नहीं हो, जैसे सिख भाइयों के लिए करा का प्रावधान है। कोई भी वस्तु 3 पुस्तक जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा कोई भी पुस्तक या कोई भी सामान अंदर ले जाना वर्जित है। घड़ी, यहाँ तक कि घड़ी भी ले जाना वर्जित है, पेन भी ले जाना वर्जित है, सभी चीज़ की व्यवस्था वहाँ की गई है। तो हम लोग ये पूरी तरह सतत प्रयत्नशील हैं कि पूरी तरह स्वच्छ परीक्षा कराई जा सके। कहीं भी जाड़ा के समय में जो न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता हो सकती है ठंडे को देखते हुए, उससे अधिक कपड़ा पहनकर नहीं जाएंगे, अन्यथा फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ेगा। और मफलर, टोपी इत्यादि पूरी तरह वर्जित है, वो लेकर अंदर नहीं जाएंगे। एलएस कॉलेज ऑडिटोरियम में गुरुवार को सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी ने एनसीसी कैडेटों को सेना में बहाली से संबंधित जानकारी दी। एलएस कॉलेज परिसर में चल रहे एनसीसी 2 बिहार बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे एनसीसी कैडेटों को सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मनहास ने सेना बहाली के लिए आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार की बहाली रैली स्थानीय चक्कर मैदान में 9 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। आज जो है हमारे कैंप में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के कर्नल मनहास साहब आए थे, जो कि यहाँ आर्मी में भर्ती करवाते हैं, उसके जो हेड हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर के। उन्होंने आज बच्चों को संबोधित किया, सभी बच्चे बैठे थे और बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। उन्होंने बताया कि आर्मी में क्या प्रक्रिया है भर्ती होने का और उसमें खास तौर से ABC सर्टिफिकेट के जो होल्डर्स हैं NCC के, उनको क्या सुविधा दी जाती है। उनके बातों से बच्चों में ये जागरूकता पैदा हुई कि किस तरह से वो NCC का जो डिग्री है उसका सही उपयोग करें। उन्होंने ये भी बताया कि ये भर्ती केवल आर्मी के लिए, जवान के लिए ही नहीं है, अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो ऑफिसर के लिए भी जो है आप एलिजिबल हैं बिना किसी रिटेन टेस्ट के। तो बहुत सारी बातों की जानकारी दी उन्होंने। जो अगला भर्ती है 7 जनवरी से, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि बिचौलियों से सावधान रहें, किसी भी तरह का कोई भर्ती में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। बकाये वेतन का भुगतान करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर के एम्बुलेंस कर्मचारी गुरुवार से 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दिया है।
हड़ताल के पहले दिन सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में धरना दिया। आंदोलन पर उतरे एम्बुलेंस कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि अविलंब उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो राज्य स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इससे पूर्व में हम लोग 101 महीना 7 दिन हड़ताल किए थे, जो कि जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले। आज हम लोग इंटक के बैनर तले हड़ताल किए हैं और उसमें 1 महीना 7 दिन में जो भी वादा किया गया, अभी तक एक भी वादा पर कंपनी खड़ा नहीं उतरा है। नहीं तो गाड़ी का मेंटेनेंस में और नहीं तो स्टाफ का प्रति हित का कुछ भी काम, सिर्फ ऐसा वादा पे वादा, वादा खिलाफ ही झूठ पे झूठ। और जो स्टाफ आगे आ रहा है उसको टारगेट बना करके सबको टर्मिनेट किया जा रहा है। इसीलिए मेरा आम जनता और यहाँ का सरकार और जिला सिविल सर्जन DM सभी से लोग से हम लोग का आग्रह है कि हम लोग का न्याय जितना जल्द से जल्द हो दिलवाए। और इस तरह का कंपनी द्वारा झूठा बातचीत जो होता है उस पर है सो कंपनी को लगाम लगाए। सेवा काल में मृत दफादारों चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली की मांग को लेकर समरनाले में चौकीदार दफादारों को आमरण अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। सेवा काल में मृत दफादार चौकीदारों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाल कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर दफादार चौकीदारों का समरनाले परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। अनशन का आज तीसरा दिन है। अनशनकारियों की स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुधि लेने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग कल से, यदि हम लोग का नहीं मांग नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया तो कल से हम लोग अनशन पर 11 चयनित उम्मीदवार जो हैं वो हम लोग अनशन पर रहेंगे और 8 तारीख से शैक्षिक सेवानिवृत्ति के सभी आश्रित के परिजन भी अनशन में भाग लेंगे। जब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं की जाती है तब तक अनशन जारी रहेगा। इसके लिए करो या मरो में अनशनकारी। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति के लिए कामकाज का बहिष्कार कर बेमियादी हड़ताल पर गई आशा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल का कामकाज ठप कराते हुए अस्पताल परिसर में धरना दिया। आंदोलन पर डटी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार जब तक उनके वेतन का निर्धारण नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रबंध दे करके जो सरकार आता है निकम्मा बनकर जाता है, इस बार उसको हाथ को मोड़ करके जाने देंगे अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो। और हम लोग झूठ बोल करके ऐसे करके कुछ ऐसा ट्रेन के बाद क्यों जाए बोलने छोड़िए। तो हम लोग सारे लोग धरना में है, हम लोग सारे लोग जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इस धरना प्रदर्शन को नहीं तोड़ेंगे और एक काम भी नहीं होने देंगे। रिन्यूअल हुए प्राथमिक विद्यालयों को सामान्यता देने की मांग को लेकर आप और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन गुरुवार से शुरू हो गया। जिले के वैसे प्राथमिक विद्यालय जिसका रिन्यूअल हो गया है उसे अस्थायी मान्यता देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर आप और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गौशाला रोड स्थित बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मामला यह है कि अनशन पर बैठने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि संविधान ने हमारा राइट टू इक्विटी 14 अनुच्छेद 14 के तहत दिया है और वहीं 21 का के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। इसी कड़ी में निजी विद्यालय 25% जो बच्चों का नामांकन किया गया उनके अनुरूप जो पोशाक योजना के तहत जो राशि मिलनी चाहिए या मध्यान्ह भोजन के तहत जो राशि मिलनी चाहिए वो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से भी मांग की है, हम चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। अशोक कुमार देशभक्त, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फॉरम भारत। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।